अब यह परंपरा सी बन गई है कि जब चुनाव आने वाले हों या चुनाव चल रहे हों तो यह शोर मचा दिया जाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो उनके सुर कुछ और होते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होती हैं तो उनके सुर बदल जाते हैं। और मतदाता ने क्या निर्णय सुनाया है इसको स्वीकार करने की बजाय ईवीएम में गड़बड़ी का राग अलापने लगते हैं। यहाँ सवाल यह है कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ करना मुमकिन है, क्या है इसका पूरा सच, आइए डालते हैं एक नज़र। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग वोट रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। एक ईवीएम दरअसल दो मशीनों के संयोजन से बनी होती है, इनमें एक नियंत्रण इकाई होती है और दूसरी में उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा, उनका चुनाव चिन्ह और उसके आगे बटन होता है जिसे दबाकर मतदान किया जाता है। इन दोनों मशीनों को 5 मीटर लंबी केबल द्वारा जोड़ा जाता है। प्रत्येक मशीन पर एक रिटर्निंग ऑफिसर प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात होता है। कंट्रोल यूनिट के प्रभारी अधिकारी बैलेट बटन दबाते हैं जिसके बाद मशीन वोट के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें आप किसी भी उम्मीदवार के सामने बने नीले बटन को दबाकर वोट डाल सकते हैं। ये मशीन बैटरी द्वारा बिना किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी के चलती है, जो ईवीएम के हैक ना होने का एक बड़ा कारण है। हर ईवीएम की एक पहचान संख्या होती है जो चुनाव आयोग के डेटाबेस में दर्ज होती है। मतगणना शुरू होने से पहले आईडी को डेटाबेस से क्रॉस चेक किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान केंद्रों से लाने और ले जाते वक्त कोई बेईमानी नहीं हुई हो। इसके अलावा मतदान और मतगणना की अवधि के दौरान मशीनों को केंद्रीय बलों की निगरानी में रखा जाता है। पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक पोलिंग एजेंट को रिकॉर्ड किए गए वोटों का हिसाब सौंपता है। मतगणना के दौरान एजेंट किसी भी विसंगति की जांच करने के लिए इन खातों के साथ कुल मिलान करते हैं। इसके अलावा परिणाम बटन दबाकर परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। यह बटन आमतौर पर सील किया जाता है और तब तक दबाया नहीं जा सकता जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसके अंत में क्लोज बटन नहीं दबाता। आरोप लगता है कि ब्लूटूथ कनेक्शन वाली एक छोटी चिप को मशीन में डाला जा सकता है और वोट डालने के दौरान परिणामों में हेरफेर करने के लिए मोबाइल फोन से उस चिप को नियंत्रित करना संभव है। हालांकि यह असंभव लगता है कि इतने वोटिंग मशीनों में ऐसे चिप्स डाले जा सकें, और अगर मान भी लिया जाए कि यह संभव है तो इस कार्य को करने के लिए विभिन्न चरणों में केंद्रीय और राज्य के अधिकारियों सहित सैकड़ों और हजारों लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जब मशीनों को मतदान केंद्रों पर भेजने के लिए तैयार किया जाता है तो यह चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं होते हैं जो यह तय करते हैं कि किस मशीन को किस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में भेजा जाएगा, बल्कि यह काम कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से किया जाता है। आगे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव से पहले ईवीएम का परीक्षण करने के लिए मॉक पोलिंग भी की जाती है। इसके अलावा चुनाव से कुछ महीने पहले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है। मतदान की तारीख से 13 दिन पहले मशीन का फिर से उम्मीदवार या पार्टी एजेंट की उपस्थिति में परीक्षण किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद उपस्थित सभी लोगों को एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सुनिश्चित करना होता है कि ईवीएम सही हैं। मशीनों के निर्वाचन क्षेत्र में होने के बाद भी विस्तृत जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई हेरफेर तो नहीं हुआ। मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र में 1 घंटे के लिए मॉक पोलिंग की जाती है, जहां 60 से 100 वोट डालकर यह जांच की जाती है कि बटन सही काम कर रहे हैं या नहीं। ईवीएम को किसी भी पार्टी के पक्ष में करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन पर लगे बटन राजनीतिक दलों के नामों में स्थायी रूप से तय नहीं होते हैं, बल्कि उम्मीदवारों के नामों के वर्णानुक्रम से तय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भाजपा या कांग्रेस का नाम हर निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के नाम के अनुसार ऊपर या नीचे हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर ईवीएम के साथ सब कुछ ठीक है तो मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसे वीवीपैट भी कहते हैं, ये आखिर क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट में दरअसल एक याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से वीवीपैट पेश करने के लिए कहा था, जहां एक प्रिंटर ईवीएम से जुड़ा हुआ हो और जब मतदाता अपनी पसंद का बटन दबाएं तो उनके नीचे देखने के लिए स्क्रीन पर 6 सेकंड के लिए नाम आता है, फिर कागज की पर्ची स्वतः एक सील बॉक्स में चली जाती है। मशीन और पर्ची के परिणाम समान न होने पर धांधली का कोई भी आरोप साबित हो सकता है। वीवीपैट प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया में लाया जा रहा है और 2019 तक इसे सभी जगह स्थापित करने की संभावना भी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के अलावा यह ईवीएम की विश्वसनीयता पर विवादों का हल करने के लिए प्रक्रिया में लाई गई है।